रामपुर के क्षेत्र टांडा में लॉकडाउन को सख्ती से लागू कराने को लेकर ज्वाइंट मजिस्ट्रेट SDM गौरव कुमार, क्षेत्र अधिकारी ब्रह्मपाल सिंह, टांडा SHO जड़ियाल चौकी इंचार्ज राजीव कुमार ने संयुक्त रूप से टांडा क्षेत्र में फ्लैग मार्च निकालकर लोगों को घरों में रहने की अपील की। उन्होंने कहा कि क्षेत्र हॉटस्पॉट होने के कारण लोगों को अपने घरों में रहकर ही आवश्यक कार्य निभाने चाहिए। सोशल डिस्टेंसिंग, सैनिटाइज का पूरा ध्यान रखें। उन्होंने कहा कि जरूरत पड़ने पर लोगों की आवश्यक सामग्री घरों पर ही मुहैया कराई जाएगी। इसके लिए सिर्फ उनको एक कॉल कंट्रोल रूम निम्नलिखित नंबरों पर करनी पड़ेगी। उन्होंने कहा कि कोरोना वायरस को लेकर केंद्र की हमारी मोदी सरकार, प्रदेश की हमारी आदरणीय योगी सरकार पूरी तरीके से कमान संभाले हुए हैं और लोगों को घरों में रहने की बार बार अपील कर रहे हैं। हमारा कहना है कि लोग घरों में रहकर सुरक्षित रहे और दूसरों को भी सुरक्षित रहने में सहयोग दें, जिससे हम कोरोना वायरस की जंग लड़ सकें। उन्होंने जनता से अपील की कि शासन प्रशासन का सहयोग करें, उनका पूरा पालन करें और अपने घरों में ही रहें। रमजान में लोग अपने घरों में रहकर इबादत करें और आवश्यक सामग्री फल खजूर सेवैया आदि घरों पर ही मंगा लें। निम्नलिखित कंट्रोल रूम नंबर जारी किए हुए हैं और सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखें, अपने घरों में रहें, सुरक्षित रहें। पूरी सावधानी है, जैसा कि आप सब जानते हैं कि हॉटस्पॉट क्षेत्र है तो सावधानी तो बरत ही रहे हैं कि लॉकडाउन का उल्लंघन ना हो। इसके साथ साथ ही जितनी भी आवश्यक वस्तुएं हैं वो डोर स्टेप डिलीवरी के माध्यम से लोगों को आपूर्ति कराई जा रही है, ताकि किसी को भी किसी भी कारण से अपने घरों से बाहर ना निकलना पड़े। इसके लिए पुलिस प्रशासन लगातार 24 घंटे एक्टिव है, सबके कंट्रोल रूम्स 24 घंटे एक्टिव हैं। किसी को भी कोई आवश्यकता है वो कॉल करे, किसी भी समय उसकी यथासंभव सहायता की जाएगी, लेकिन घरों में रहें, यही जनता से अपील है। रमजानों को लेकर क्या तैयारियाँ सर? रमज़ान को लेकर पूरी तैयारी है, जितनी भी आवश्यक वस्तुएं हैं या तो खाद्य सामग्री में हो, खजूर हो, फल हो या और पेय पदार्थ हो, सबके लिए जो है समुचित व्यवस्था की गई है। कंट्रोल रूम में कोई भी व्यक्ति कॉल करेगा उसको वो जो चीज़ वो चाह रहा है वो घर पर उपलब्ध कराई जाएगी डोर स्टेप डिलीवरी के माध्यम से। इसके अतिरिक्त सचल मेडिकल सेवा और मोबाइल स्टोर्स भी चालू किए गए हैं, जो घर घर जाकर दवाई सप्लाई कर रहे हैं और एसेंशियल आइटम सप्लाई कर रहे हैं जिनकी इस समय में आवश्यकता है, ताकि लोगों को बिल्कुल भी घरों से बाहर ना निकलना पड़े और लॉकडाउन बना रहे हैं।